हेलो फ्रेंड्स, प्रीति देवेन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रसगुल्ले बनाना सिखाऊंगी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही स्पंजी बना हुआ है। तो आज मैं स्पंजी रसगुल्ले के बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स बताऊंगी आपको। तो ये देखिए, रसगुल्ले बनाने के लिए हमें कच्चा दूध लेना होगा। तो मैंने ये कच्चा दूध लिया है, जो कि 1.5 लीटर है। 1.5 लीटर दूध को मैं अच्छे से उबाल लूँगी गैस पे। तो ये मैं दूध को फुल फ्लेम पे रखी हूँ और इसे उबलने का वेट करती हूँ। ये देखिए, हमारा दूध जो है गर्म होने को हो गया है और ये उबलने ही वाला है। उबलते समय दूध को चलाते भी रहेंगे। चलाने से ऊपर की मलाई जो है वो कट जाएगी और ऊपर मलाई नहीं जम पाएगा। ऐसा करने से रसगुल्ले स्पंजी बनते हैं, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। दूध को थोड़े थोड़े देर पे चलाते रहिएगा। तो ये देखिए, हमारे दूध में उबाल आ गया है। अब हम इसे गैस से उतार लेंगे। रसगुल्ले बनाने के लिए हमें सबसे पहले दूध को फाड़ना होगा। तो हम अभी उबलते हुए दूध को नहीं फाड़ेंगे, इसका टेम्परेचर लो करेंगे, फिर इसे फाड़ेंगे। उबलते हुए दूध में अगर हम फाड़ेंगे तो हमारा रसगुल्ला सख्त बनेगा। तो आप देख सकते हैं, रसगुल्ले बनाने के लिए हमें कॉर्नफ्लोर चाहिए, जो कि 2 चम्मच है। 4 कप चीनी लिया है मैंने, और ये है 1/2 कप दूध लिया है, जिसमें मैं 1/2 कप पानी मिला ली हूँ। और ये नींबू है, नींबू को काट के इसके रस निकाल लेंगे। अब हम दूध को फाड़ लेते हैं। दूध को फाड़ने के लिए बिल्कुल उबलते हुए दूध में नींबू का रस नहीं डालना है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसका टेम्परेचर लो करने के लिए इसमें मैं 1/2 ग्लास पानी ऐड करूँगी। छोटी गिलास से 1/2 ग्लास पानी मैंने ऐड किया है। उसके बाद इसे अच्छे से चला के इसका टेम्परेचर थोड़ा लो कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसे चला करके थोड़ा ठंडा कर रही हूँ। 1 मिनट चलाने के बाद हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। ये 2 नींबू के रस हैं और इसमें मैंने कुछ पानी ऐड कर दिया है। तो ये नींबू के रस मैं थोड़ा थोड़ा इसमें डालूंगी दूध में। आप देख सकते हैं टेम्परेचर लो हो गया है। नींबू को पूरा इसमें एक साथ नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है नींबू को। अगर ऐसा हम करेंगे तो रसगुल्ले सॉफ्ट बनेंगे। एक साथ नींबू का रस हम डाल देंगे तो रसगुल्ले सख्त बनेंगे। तो ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा नींबू डाल भी रही हूँ और दूध को चलाते भी रह रही हूँ। इसी तरह से आपको थोड़ा थोड़ा नींबू डाल करके और दूध को चलाते जाना है। जब दूध फट जाएगा तो नींबू नहीं डालना है। तो ये देखिए, मेरा दूध फट चुका है और अब मैं इसे कपड़े पे रख करके छान लूँगी। ये देखिए, मैं इसे छान रही हूँ। जब निचोड़ करके इसका पानी हम निकाल लेंगे, उसके बाद इसमें और भी पानी डाल करके इसे अच्छे से वॉश करेंगे, जिससे कि इसमें जो नींबू का फ्लेवर है वो निकल जाए।
उसके बाद इसे अच्छे से निचोड़ के इसमें का सारा पानी हम निकाल लेंगे। इसके बाद हम चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए हमें 4 कप चीनी लेना होगा और उसमें 3 से 4 कप पानी ऐड करना होगा। रसगुल्ले की चाशनी पतली होती है और अगर आप इसे गाढ़ी रखेंगे तो ये सख्त हो जाएंगे रसगुल्ले, इसलिए पानी थोड़ा हमें ज़्यादा ही ऐड करना होता है। तो मैं ये पानी इकट्ठे नहीं ऐड करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। तो ये देखिए मैंने ये 3 कप पानी ले लिया है और अब मैं इसे गैस पर रख दूँगी। ये देखिए इसे मैं फुल फ्लेम पे रख दूँगी और अगर मुझे पानी कम लगेगा तो मैं फिर बाद में फिर और भी पानी ऐड करूँगी इसमें। चाशनी को उबलने तक का हम वेट करेंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। जब तक हमारी चाशनी उबलती है और चीनी थोड़ा गल के तैयार होता है तब तक हम छेने को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि छेने का पूरा पानी अच्छे से निकल चुका है और अब हम इसे कपड़े में से निकाल लेंगे। और इसे 15 मिनट तक अच्छे से मसल करके सॉफ्ट करेंगे। देख रहे हैं कि मैं कैसे मसल रही हूँ, इसी तरह से आपको छेने को मसलना है अच्छे से। इधर दूसरी तरफ मैंने चाशनी रखी है उसे भी चेक करना है, तो देख लेते हैं। ये देखिए मेरी चाशनी उबलने लगी है और इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। चीनी जब तक अच्छे से घुल नहीं जाती है हम चाशनी को अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि जो है चीनी नीचे बैठ ना जाए। और ये जो मैंने दूध लिया था जिसमें पानी ऐड किया था उसे हम चाशनी में डाल देंगे। इसे डालने से चाशनी अगर गंदी रहती है तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाती है, उसमें की सारी गंदगी निकल जाती है। वो मैं भी आपको दिखाऊँगी कि कैसे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मेरी चाशनी उबल रही है सारे जो मैंने दूध डाले थे वो फट करके एकदम किनारे आ गए हैं झाग बन के, और इसके साथ गंदगी भी बाहर आ जाती है। तो मैं ये सारे झाग को किनारे करके निकाल लूँगी। और अगर दोबारा भी आपको लगता है कि चाशनी गंदी है तो दोबारा भी ये प्रोसेस हम फिर से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सारे झाग को निकालने के बाद चाशनी का कलर थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें गंदगी दिख रही है। तो मैं यही प्रोसेस दोबारा फिर से करूँगी।
दोबारा मैंने फिर से आधा कप दूध लेकर के उसमें आधा कप पानी मिला लिया है और उसे चाशनी में डाल दिया है और चाशनी को उबलने तक का वेट करूंगी और जिससे कि हमारा ये झाग बन के किनारे आ जाएगा तो गंदगी को हम निकाल लेंगे और चाशनी हमारी अच्छी और ट्रांसपेरेंट बन के तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं मेरी चाशनी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई है और तैयार है। तो अब हम छेने को फिर से मसलना शुरू करते हैं। तो ये देखिए मैंने पहले भी जो है 10 मिनट तक छेने को मसला है और ये मैं दोबारा फिर से छेने को मसल करके तैयार कर रही हूँ। छेने को मसलने में थोड़ा भी कंजूसी नहीं करनी है, नहीं तो छेना फटने लगता है और उतना अच्छा और स्पंजी बन के नहीं तैयार होता है। हमें छेने को मसलते हुए कुल 15 मिनट हो गए हैं। तो ये पूरा अच्छी तरह से मसला करके तैयार हो गया है। अब हम इसमें अरारोट का आटा मिक्स करेंगे 2 चम्मच। तो ये अरारोट का आटा है, ये मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। अरारोट का आटा मिक्स करने के बाद हम इसे और अच्छे से मसल लेंगे। फिर हम इसे 10 मिनट तक मसलेंगे जिससे कि ये और भी सॉफ्ट हो जाए। जब छेना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा तो आपको पता चलेगा, देखने से बहुत ही चिकना चिकना उसका टेक्सचर हो जाएगा। तो आप इससे जान जाएंगे कि हमारा छेना बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। ये देखिए मैं इसे 10 मिनट तक और मसल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि छेने का बिल्कुल सॉफ्ट डो बन करके तैयार हो गया है और अब मैं इससे रसगुल्ले तैयार करूंगी। रसगुल्ले तैयार करने के लिए एक साइज़ की लोइयां हम बना लेंगे। पहले तो मैं सारे ये जो छेने हैं उसके एक साइज़ की लोइयां मैं तैयार कर ले रही हूँ। उसके बाद दोनों हथेलियों के बीच में रख करके इसे राउंड राउंड शेप देंगे। जैसे ये मैं दे रही हूँ उसी तरह सारे लोइयों को राउंड शेप दे लेना है। उसके बाद हम दोनों हथेलियों के बीच में रख करके एक हाथ से राउंड शेप में रसगुल्ला बनाएंगे जिससे कि इसमें थोड़े भी दरार ना आए और रसगुल्ला हमारा एकदम चिकना तैयार हो। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारे रसगुल्ले गोल शेप में और बिल्कुल ही चिकने रसगुल्ले बनके तैयार हो गए हैं। ये देखिए
मैं आपको पास में भी दिखा देती हूँ, इसमें थोड़ी भी दरार नहीं है और ये बहुत ही अच्छे शेप में बन के तैयार हुए हैं। अब हमें बिल्कुल उबलती हुई चाशनी में रसगुल्ले डालने हैं और इकट्ठे नहीं डालने हैं, एक एक करके डालने हैं, जिससे कि चाशनी का टेम्परेचर बिल्कुल भी लो ना होने पाए। इस बात का पूरा ध्यान रखना है, नहीं तो रसगुल्ले सख्त हो जाएंगे और चाशनी गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, पतली ही होनी चाहिए। अगर उबलते टाइम चाशनी गाढ़ी हो जाती है तो एक एक चम्मच करके पानी ऐड करेंगे, जिससे कि चाशनी का टेम्परेचर लो ना होने पाए। तो वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। पहले तो आप ये देखिए कि मैंने एक एक रसगुल्ले करके सारे चाशनी में डाल दिए हैं और इससे चाशनी उबलना भी नहीं बंद हुई है, चाशनी का टेम्परेचर भी लो नहीं हुआ है। उसके बाद रसगुल्लों को हल्का सा चलाएंगे, उसके बाद इसे ढक देंगे। इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि इसमें जो ये झाग या बुलबुले आ रहे हैं वो कम नहीं होने चाहिए, इसके लिए हमें इसका टेम्परेचर हमेशा हाई रखना है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद हम खोल करके इसे देखेंगे। अगर हमारी चाशनी गाढ़ी हो गई है तो हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। पानी बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म पानी ऐड करेंगे और एक साथ पानी इसमें हम नहीं डालेंगे। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और फिर बता रही हूँ, क्योंकि एक साथ पानी डालने पर टेम्परेचर जो है वो लो हो जाएगा चाशनी का और रसगुल्ले कड़े हो जाएंगे। तो इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा और मैं अभी आपको दिखाऊंगी कैसे एक एक चम्मच करके चाशनी में पानी हम ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक गिलास में पानी लिया है और उसमें एक एक चम्मच करके मैं चाशनी में पानी ऐड कर रही हूँ। चाशनी का टेम्परेचर लो नहीं होने पा रहा है, ये देखिए चाशनी उबलती ही रह रही है। थोड़ी थोड़ी देर पे मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर करके मैं इसमें पूरे एक गिलास पानी ऐड कर दूँगी। उसके बाद इसे ढक करके फिर मैं उबालूँगी। एक गिलास पानी मैंने एक साथ नहीं ऐड किया, मैंने दो स्पून पानी ऐड किया है। फिर मुझे अगर कम लगेगा तो फिर मैं दो स्पून पानी ऐड कर दूंगी। इसी तरह से हमें चाशनी की कंसिस्टेंसी देखते हुए पानी ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे फुले फुले रसगुल्ले मेरे तैयार हुए हैं। इस तरह से हमें पूरे 20 मिनट तक रसगुल्लों को पकाना है और 20 मिनट के बाद हमारे रसगुल्ले तैयार हो जाएंगे। चाशनी में लगभग एक गिलास पानी ऐड हो चुका है, थोड़ा सा ही बचा है। ये लगभग 1 स्पून पानी होगा, यही इतना बचा हुआ है, बाकी एक गिलास लगभग ऐड हो चुका है। थोड़ी थोड़ी देर पर हम रसगुल्लों को ढक देंगे और पकने देंगे और खोल करके चेक भी करते रहेंगे, क्योंकि चाशनी गाढ़ी हो जाने के बाद रसगुल्ले ख़राब हो जाएंगे। तो ये जो मेरे एक चम्मच पानी बचा हुआ था वो भी मैं पूरा इसमें ऐड कर दूंगी। तो ये मेरे पूरे एक गिलास पानी और ऐड हो चुके हैं। पूरा अगर मैं मेज़र करके बताऊं तो हमारे रसगुल्ले में कुल 5 कप पानी ऐड हुआ है और ये पानी मैंने एक साथ नहीं डाला है। 3 कप पानी मैंने पहले डाल दिया था और 2 कप पानी मैं रसगुल्ले को चेक करके डालती गई हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे खिले खिले सुंदर सुंदर रसगुल्ले बनके तैयार हो गए हैं और अब हम इसे 12 घंटे बाद ही खा सकते हैं। इसे 12 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे और उसके बाद हम इसे खाएंगे, जिससे कि इसमें चाशनी पूरा अच्छी तरह से भीग जाए। तो अगर आपको मेरी रसगुल्ले की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताएँ।